जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 11 के एक्सरसाइज 29.2 का ये सेकंड पार्ट है। यस, यदि आप इसके पहले पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 7x cos x - 3 sin x / 4x + tan x। तो हम लोगों को वर्क किया है, पहले x के वैल्यू को 0 कर देना है। तो अब देखिए यहाँ से 0 माइनस 0 ये 0 होगा और यहाँ भी 0 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया और tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले लिमिट x टेंस टू 0, देखिए इसे हम लोग x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, 7x cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई एक्स एंड 4x प्लस 10x बाई एक्स। क्या किए, इसके न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। अब आगे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 7x cos x by x माइनस 3 sin x by x अपॉन 4x by x प्लस 10x by x। तो देखिए यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये x यहां से कट जाएगा, ये x यहां से कट जाएगा। तो यदि अब हम लोग इसके लिमिट को देना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 7 लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x डिवाइडेड बाय, देखिए ये 4 कांस्टेंट है इसे लिमिट हम लोग नहीं देंगे, तो 4 प्लस यहां पर लिमिट लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 10x by x। क्लियर है, अब देखिए क्या हो सकता है, 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1। अब क्या होगा, 7 माइनस 3 बाई 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 बाई 5, जिसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, 4 बाई 5। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, cos 0 मीन्स 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और नीचे 0 का स्क्वायर 0, तो ये फॉर्म आ गया 0 बाय 0। इसे सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए 1 माइनस वैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ पे जितना थीटा होगा उसका हाफ जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 2 sin स्क्वायर mx by 2, जितना एंगल है उसका आधा हो गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर कर दिए, लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए साइन एम एक्स बाई 2 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हम लोग लिमिट को अंदर करते रहे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एम एक्स बाई 2, इसको क्या करेंगे हम लोग एम एक्स बाई 2 से डिवाइड करते रहे, तो इसे हमें mx by 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा,
और पहले से 1 बाय एक्स है और हो गया इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको यहां पे, 2 इंटू देखिए ये हो जाएगा 1 और ये देखिए x कट गया, 1 इंटू एम बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वायर बाई 4 दैट मीन्स एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x का वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 होगा, माइनस साइन 0 0 तो ऊपर में क्या हो गया 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे आइए ये भी 0। इसे सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखिए होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2 बाई साइन x इज इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू कॉस देखिए 8x बाई 2 4x हो जाएगा इंटू साइन 2x बाई 2 साइन x हो गया बाई साइन x कैंसिल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 इस 2 को हम लोग बाहर कर दिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट विल बी आउटसाइड कॉस 4x तो 2 इंटू ये 1 होगा, लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1। सो इसका आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने से पहले हम लोग क्या बताए थे कि इसमें हम x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x 0 और यहां भी 0 0 इंटू 0 0 हो गया, ओके यहां पे 1 है, cos 0 का वैल्यू 1 1 माइनस 1 0। तो अब देखिए इसे हमें सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 इसे हम लिख सकते हैं x बाई टेन एक्स को हम लिख सकते हैं cot x, टेन एक्स कैन बी रिटेन एज cot x और इट कैन बी ऑल्सो राइट लाइक दिस x इंटू टेन एक्स को रहने देते हैं और 1 माइनस cos x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 पुट कर लेते हैं, ये हो सकता है लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू यहां पे क्या लिखेंगे साइन x बाई cos x इंटू 1 बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। आगे इसको क्या देखिए 1 बाई 2 को हम बाहर कर दिए, लिमिट x टेंस टू 0 यहां पे x है इंटू साइन x 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 यहां पे क्या है cos x इसको क्या लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। देखिए फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो अब क्या हो सकता है यहां से
ये साइन स्क्वायर ए है, सॉरी इसको साइन ए बाय एक्स बाय टू ही लिखेंगे, तो एक साइन एक्स बाय टू कैंसिल हो गया और यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स, इस टू को तो हम लोग बाहर कर दिए तो और इस टू को नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे। अच्छा ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट, यहां पर लिखते इसको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई, देखिए कॉस एक्स बाई टू और ये साइन एक्स बाई टू, हम लोग इसे टेन एक्स बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू, ये काम हो गया, वन बाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स। तो इसे अभी हम लोग, इसको तो हम लोग वन लिख सकते हैं, चलिए इसको हटा दिए, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई टू बाई टेन एक्स बाई टू इंटू एक्स इंटू एक्स बाई टू से हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए तो एक्स बाई टू से हम लोग इसको डिवाइड भी करेंगे, तो ये देखिए इससे वन हो जाएगा, ये एक्स एक्स का कैंसिल होके टू ऊपर चला जाएगा, सो वन इंटू टू इज इक्वल टू टू। देखिए हम लोग फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन, और ऐसे भी हो सकता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाय टेन एक्स इज इक्वल टू वन। ओके,